अब आखिरी दसवां फॉर्मूला, ये हमारा जो है ना ये नौ से थोड़ा अलग है, इसीलिए इसको दसवें को अलग रखे हैं। ये क्या है कि कई बार टेंशन होता है ना किसी की वजह से होता है, कोई होता है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई है जिसकी जो टेंशन दे रहा है, उसको कैसे डील करें, सिचुएशन को ग्रिप में कैसे लाए, पकड़ में कैसे लाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है ग्रिप। मैं आपको जो दे रहा हूं ग्रिप, इसमें चार चीजें हैं, जी आर, वैसे सही स्पेलिंग तो जी आर आई पी है लेकिन मैंने ईपी किया है ताकि चारों चीजें फिट हो जाए उसमें, जी आर ईपी। क्या है ये? नंबर वन, जी से गुड, उसके अंदर कुछ अच्छा है कि नहीं वो देखो। देखो क्या होता है, हम लोग कई बार नेगेटिव हो जाते पूरे, बोले ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसके अंदर कुछ अच्छा भी है कि नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मोमिन मर्द को, मोमिना औरत को बुरा नहीं समझना चाहिए, नफरत नहीं करना चाहिए, मोमिना है उससे नफरत नहीं करना चाहिए। फइन करीहा करीहता मिन्हा खुलुकन रदिया मिन्हा आखर ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन फइन करीहता मिन्हा खुलुकन रदिया मिन्हा आखर। अगर कोई एक चीज अच्छी नहीं लगती कोई और चीज अच्छी लगेगी, मतलब कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, मोमिन है, अगर मोमिन है ईमान वाला है तो उसका कुछ अच्छा नहीं लगा, टेंशन हो रहा है, देखो उसके ना कुछ और अच्छा है, क्यों मालूम है मेरे भाइयों? देखो होता क्या है, अगर सामने वाले को आप उस नजर से देखोगे कि इसके ना कुछ अच्छा भी है तो आप उससे डील उस तरह से करोगे। अगर उसको पूरा टोटली बुरा समझते हो हाँ तो डीलिंग का अंदाज अलग हो जाएगा, लेकिन जब उसकी पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज दोनों पे नजर रखेंगे तो फिर क्या होगा, उससे बात करने का अंदाज, प्रॉब्लम सॉल्व करने में सिचुएशन पे पकड़ आएगी। तो पहली चीज है गुड, उसके ना कुछ अच्छा है क्या, देखो। नंबर दो आर, आर क्या है, हम ये देखते हैं कि रिपेल ईविल विद गुड। ये कुरान की आयत है सूरतुल सूरह फुसिलत में, सूरह 41 आयत नंबर 34। जब कोई बुरा करे ना उसको छोड़ो मत, कुरान की आयत है इदफा बिल्लती ही अहसन, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके, रिपेल बोलते हैं इसको, रिपेल यानी जवाब देना, उसको फिटिंग जवाब दो। कोई बुरा करे ना उसको जवाब दो, कैसे जवाब दो, कुछ अच्छा करके। कोई है जो आपको परेशान किया, अब आपने देखे पहले सलाम आप करो, बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके, इदफा बिल्लती ही आसन, किसके लिए, अल्लाह के लिए। बुरी चीज किया उसको पहले चाय, उसको चाय पे ले जाओ, आओ चाय पीना, हाँ पड़ोसी के साथ प्रॉब्लम हो गया अच्छी अच्छा घर में खाना बनाया तो खाना भेजो, बुरी चीज का जवाब दो कुछ अच्छा करो, हाँ बुरी चीज का जवाब दो अच्छा करके। फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलीयुन हमीम, फिर वो जिसके और तुम्हारे बीच में दुश्मनी है बन जाएंगे करीबी दोस्त, दुश्मनी है बन जाएंगे दोस्त, दुश्मन को दोस्त बनाना है अगर वो भी करीबी दोस्त, वलीयुन हमीम, तो क्या करना है, बुरी चीज का जवाब देना है। अच्छा ये कहां की बात हो रही है, दुनिया की आखिरत की? यहां पे खास अल्फाज पे गौर करेंगे तो ये दुनिया की बात हो रही है, बुरी चीज का जवाब देंगे तो दुनिया में भी फायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, दुश्मन बन जाएगा दोस्त। आप देखिए कितनी मिसालें इसकी, तो नंबर दो वलीयुन हमीम बन जाएगा, तो जी आर, आर यानी रिपेल, मैं इंग्लिश में बनाया हूं ये, गुड देखो उसके ना क्या कुछ अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बुरी चीज का जवाब दो कुछ अच्छा करके। ई, ई से क्या है, उससे एक्सपेक्ट मत करो, उससे उम्मीद मत लगाओ। मेरे भाइयों आपको मैं बता रहा हूं, आप नोटिस करना, ये कोई रास्ते चलते आदमी को पकड़ो, वो बोलना भाई तुम्हारी कहानी बताओ, कहानी लाइफ की कहानी बताओ, वो जो कहानी बताएगा ना उसमें कहीं ना कहीं अक्सर लोगों का, मोस्टली लोगों का ये आता है, बोले मैं सबके साथ अच्छा करता हूं वो मेरे साथ बुरा करते हैं, तो अक्सर लोगों को ऐसे ही लगता है। अब यहां क्या होता है कि कितने लोग बोलते हैं मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने देखो मेरे साथ कैसा किया, और लोग इंसान तो है ऐसे, इंसान कैसे हैं, कलीलुम मिन इबादी शकूर, अल्लाह ने कहा मेरे बंदों में बहुत कम शुक्रगुजार है, हाँ इंसान है ऐसे, नेचर ही ऐसा है, शुक्रगुजारी कम होती है इंसानों में, तो क्या करना चाहिए। अब इसमें दिल दुखता है ना कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने देखो क्या किया मेरे साथ, हाँ तो क्या करेंगे, उम्मीद ही मत रखो उससे, उम्मीद किससे रखो, उम्मीद होगी तो टूटेगी ना, उम्मीद होगी नहीं तो टूटेगी नहीं, उससे उम्मीद है नहीं, किससे उम्मीद है, अच्छा करेंगे किसके लिए करेंगे। कुरान के अंदर सूरह इंसान में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो खाना खिलाते हैं मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, मिस्कीन को यतीम को कैदी को, उनको कहते हैं इन नमानो तो इमुकुम ली वजिल्ला,
हम तुम्हें खिला रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउ वला शुकूरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वला शुकूरा, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। मतलब मैं ये किया, तुमने क्या किए, अरे मुझे तुमसे बदले में क्या कहते हैं वो, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउ वला शुकूरा, हमें तुमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वला शुकूरा, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं अरे कैसा आदमी है, शुक्रिया भी नहीं बोला। ये लोग सामने से बोल रहे हैं हमें शुक्रिया भी नहीं चाहिए। ऐसे बनेंगे ना तो दिल को बहुत इत्मीनान मिलेगा। अच्छा करोगे किसके लिए, हाँ अल्लाह के लिए, और अल्लाह मायूस करेगा? अल्लाह के लिए अच्छा करेंगे ना तो लॉन्ग टाइम तक अच्छा कर सकते हैं। इंसानों के लिए अच्छा करेंगे ना तो क्या कहानी होगी मालूम है? आपने शायद सुना होगा, कई लोग अपनी कहानी बताते हैं, बोलते हैं मैं वो टाइम पे बहुत अच्छा हुआ करता था, अच्छा किया करता था, फिर मैंने देखा कि कुछ फायदा नहीं होता तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं अभी नहीं करता हूं, क्योंकि क्या फायदा, क्या फायदा, फायदा अभी देखा कहां है, अभी कयामत का दिन आया कहां है। मतलब तुम्हारी उम्मीद किससे है, इंसानों से। इंसानों से उम्मीद होगी तो मायूस होंगे, क्यों? इंसान है ना शुक्रे, अल्लाह के करोड़ों एहसान मिलते हैं, 364 दिन खाना मिला ये नहीं देखेंगे, एक दिन नहीं मिला अल्लाह नहीं दे रहा है, हाँ करोड़ों एहसान मिले वो नहीं देखेंगे, कोई एक चीज नहीं मिली बोले ये नहीं दे रहा है। तो इंसान ऐसे है, इनसे उम्मीद लगाएंगे तो टूटी जाएगी उम्मीद, फिर मायूसी मायूसी, फिर गम में पड़े रहो। तो उम्मीद उनसे रखो ही मत, बोलना आसान है लेकिन करेंगे तो ही खुशी मिलेगी। इत्मीनान दिल को तभी मिलेगा जब हम ये करेंगे। तो ई एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मत रखो उनसे। जी क्या था, गुड यानी अच्छा करो, आर रिपेल जवाब दो, बुरा करे कोई तो छोड़ना नहीं उसको, सुने ना छोड़ेंगे, कोई बुरा करे तो छोड़ दोगे उसे, कैसे जवाब दो, अच्छा करके जवाब दो, उसके लिए दुआ करो, ये भी अच्छा है ना, वो उसने परेशान किया आप उसके लिए दुआ कर रहे हो तो अच्छा किया आपने, हाँ बुरा का जवाब दो अच्छा करके, हाँ नंबर तीन उससे उम्मीद मत करो, और नंबर चार पी, पी में क्या है, बहुत प्यारे पॉइंट है, कई बार लोगों को बहुत टेंशन होता है, अरे वो पता नहीं क्या चाले चल रहा है, वो मेरे खिलाफ कितनी चाले चलता है, और कई टाइप की चालों का लोगों को बहुत टेंशन है, हाँ बोले ये यहूदी हमारे खिलाफ बहुत चाले चल रहे हैं, ये फ्री मेसन बहुत चाले चल रहे हैं, ये लोग बहुत चाले चल रहे हैं, वो लोग बहुत चाले 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 चाले, तो टेंशन हो गया है, हाँ सब सोच सोच के टेंशन हो जाता है, इंफरादी तौर पर इज्तिमाही तौर पर चालों का। तो उसके लिए मैं आपके सामने दो आयतें रखूंगा, और मेरे भाइयों इतनी ब्यूटीफुल आयतें हैं ना दोनों, इसमें प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, जो उनकी प्लानिंग होती है, चालें होती है, उससे टेंशन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, दो आयतें सूरह आल इमरान सूरह 3 आयत नंबर 120, अल्लाह ताला ने यहूदियों की चालों के बारे में कहा, वइन तस्बिरू वत्तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम वइन तस्बिरू वत्तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, सब्र करो और तकवा, तकवा तुम सही काम करो, परहेजगारी, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, यहां पे मेन बात है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, तुम्हें उनकी चालें थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कैद चाल, उनकी जो चालें हैं ना वो तुम्हें, ला यदुर्रुकुम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, शैआ कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कब, तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, सब्र करो तकवा इख्तियार करो तो चालें नहीं नुकसान पहुंचाएगी। यहां हम लोगों को अपनी खुद की इस्लाह पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर हम लोग तकवे पे आ जाए ना सही रास्ते पे, सब चाले फेल, बोले इनकी ये चीज के पीछे इतनी बड़ी चाल है, उनकी वो चाल है, कुछ टेंशन मत लो, तुम ये टेंशन लो कि हम लोग सही रास्ते पे है कि नहीं, हम लोग सही रास्ते पे है ना, वो सब चाल फेल करने वाला है ना, वो मकरू व मकर अल्लाह, वो चाले चलते हैं अल्लाह भी चाले चलता है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन चाले चलने वाला है। और दूसरी आयत सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 43, वला यहीकुल मकरु सय्यिउ इल्ला बि अहलिही, बुरी चाल से कोई नहीं फंसता सिवाय चाल चलने वाला, बुरी चाल से कोई नहीं फंसता सिवाय चाल चलने वाला, जो चाल चलने वाला है वो उसमें फंसता है। तो चालों का टेंशन अगर आपको है, देखो वो है ना मेरे पीछे बहुत चालें चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा, डोंट वरी, बुरी चालों में कौन फंसता है, चाल चलने वाला, आप चाले चलोगे तो आप भी फंसोगे, आप बुरी चालें वगैरह मत चलो, अच्छे काम करो, खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं। तो ये है पॉइंट नंबर 10। अब 10 कीमती उसूल कुरान और हदीस से आपके सामने है, एक बार लास्ट रिवीजन करेंगे फिर फिनिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ईमान, नंबर 2 तवक्कुल, हाँ नंबर 3 तकदीर पर ईमान,
सब चीज पहले से लिखा हुआ है। नंबर चार, आखिरत पर ईमान, शॉर्ट साइटेड नहीं, दूर तक देखो, कोई टेंशन नहीं लगेगा। नंबर पांच, अमल सौले, अच्छे अमल करेंगे तो हयातन तय्यबा मिलेगी, हाँ पाक जिंदगी मिलेगी, मिलेगी 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 मिलेगी, मिली है। देखो सहाबा इकराम को देखो, परेशान थे, कैसे अल्लाह ताला ने जो सहाबा बाद में जिंदा था, कितना इत्मीनान। हाँ, तो नंबर पांच अमल सौले, नंबर छह सलाह, नंबर सात दुआ, यकीन के साथ, जिद के साथ, एनी टाइम। कितनी, एक दिन में कितनी दुआ अलाउड है एक एक आदमी को, एक दिन में कितनी दुआ अलाउड है एक आदमी को, हाँ कितनी, कोई लिमिट नहीं है, मांगो ना कितना मांगना है, या तो कबूल होगी या तो जमा होगी, कुछ टेंशन ही नहीं है। हाँ, अगर लिमिट है तो लिमिट फिर फिनिश करना होता है ना भाई, मुझे दो ही, एक एक आदमी को दो दो दुआ अलाउड है, कितनी दुआ है, अनलिमिटेड दुआ करो, कितना मांगना है मांगो। हाँ, लेकिन खाली दुनिया दुनिया नहीं मांगना, हाँ रब बना आती ना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना। छह नंबर नमाज, सात नंबर दुआ, आठ नंबर जिक्र, परेशान है तो क्या गुनगुनाएंगे, नहीं दुआ हम जिक्र करेंगे, जुबान को खाली मत छोड़ो, ये जुबान जरिया है मदद का, ये जुबान चलेगी जिक्र अल्लाह की मदद आएगी, हाँ जिक्र से, हाँ अल्लाह की मदद आती है इससे, जिक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है जिक्र से। पॉइंट नंबर नौ, लोगों की मदद करो, लोगों की मदद करो, तुम परेशान हो किसी परेशान की, परेशान हाल की परेशानी दूर करो। पॉइंट नंबर दस, लोगों का टेंशन उसके इलाज में ग्रिप्स फॉर्मूला, ग्रिप, ग्रिप लाओ सिचुएशन को, पकड़ लो। नंबर वन गुड, हाँ जी गुड, अच्छा देखो उसमें कुछ अच्छा है कि नहीं है भाई। नंबर दो रिपेल, बुरी चीज का जवाब दोगे कि नहीं देंगे इंशाल्लाह। नंबर तीन एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, किससे उम्मीद, उससे उम्मीद लगाओ जो उम्मीद नहीं तोड़ता है। हाँ नंबर चार, हाँ प्लानिंग, प्लानिंग के टेंशन में मत रहो मेरे भाइयों। आखिर में मेरे भाइयों ये सारी चीजें हैं, कुरान और हदीस में और भी बहुत सारे खजाने हैं, उन खजानों में से दस चीजें आपके सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है आप सब भाई जितने यहाँ बैठे हैं, और उम्मीद करता हूँ बहनें भी रिविजन कर रही होंगी, आप लोगों को इंशाल्लाह दस में से कितने याद हुए, कई लोगों की आवाज आई दस के दस इंशाल्लाह। हाँ अब जाके एक आदमी को बता दो तो किसी और की भी मदद करोगे आप इंशाल्लाह, और रिविजन खुद का हो जाएगा अलग बात। हाँ इंशाल्लाह, और जिंदगी का हिस्सा बनाओ मेरे भाइयों, और याद रखो कि ये दुनिया की जिंदगी थोड़े टाइम की है, जो परेशानी है थोड़े टाइम की है, एग्जाम है। हाँ एग्जाम में भाई अल्लाह ताला आजमा रहा है, अल्लाह ताला आजमाता है अलग अलग हाल से, लेकिन रिजल्ट आएगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और मेरे भाइयों आखिर में मैं ख़त्म करूंगा फिर उस आयत से कि नेक लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना, ऐ वो नफ्स जो मुतमईन है, इर्जीला रब्बिकी रौदियतम व मर्दिया, आ जाओ अपने रब की तरफ, वो तुमसे राजी और तुम भी उससे खुश, तो जाओ अल्लाह की तरफ, वही हमें वहीं पहुंचना है मेरे भाइयों, वो असल कामयाबी है, वो असल कामयाबी है। यहाँ के प्रॉब्लम टेंशन तो थोड़े हैं, वहाँ का टेंशन सॉल्व नहीं हो सकता, अगर वहाँ टेंशन में आने वाले हैं तो कोई बचने का रास्ता नहीं। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।